अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 20 सितारों की दुनिया इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। कुछ सितारों के झुरमट का तारुफ। गर्मा की रात में आसमान पर 7 तारों का मजमुआ नजर आता है, इसे दुबे अकबर कहते हैं। सितारों का ये झुरमट फरवरी माह के दौरान रात 8 बजे के करीब शुमाल मशरिक की सिमत तुलू होता है। दरमियानी खत पर वो अप्रैल महीने में होता है, जबकि अक्टूबर में रात 8 बजे के करीब गुरुब होता है। दुबे अकबर 7 नुमाया सितारों से बना हुआ झुरमट है। एक बड़ा चौकोन और उसके 3 सितारों की दुम होने की वजह से ये पतंग जैसा नजर आता है और आसानी से पहचाना जाता है। चौकोन के एक जिले को आगे बढ़ाए तो शक्ल के मुताबिक वो कुतुब तारे की सिमत जाता है और मुख्तलिफ ममालिक में दुबे अकबर को मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। कुतुब तारे को पहचानने के लिए दुबे अकबर की तरह जातुल कुर्सी के सितारों का इस्तेमाल होता है। जातुल कुर्सी में 5 नुमाया सितारे होते हैं या आसमान में हरूफ एम की तरह नजर आते हैं। जातुल कुर्सी के 3रे और 4थे सितारे को जोड़ने वाले खत को अगर तकसीम करें तो शक्ल के मुताबिक ये उमूद कुतुब तारे की जानिब जाता है। कुतुब तारे के एक जानिब दुबे अकबर और दूसरी जानिब जातुल कुर्सी होते हैं। जिस वक्त जातुल कुर्सी सितारों का झुरमट गुरूब होने लगता है, इस वक्त दुबे अकबर तुलू होता है। यानी कुतुब तारा देखने के लिए हम किसी भी दिन इन दो झुरमट में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है शिकारी या जब्बार सितारों का ये झुरमट आसमान में बहुत रोशन नजर आता है। ये नक्षत्र सरमा की रात में वाजह दिखाई देता है। इसमें 7-8 सितारे होते हैं, इनमें से 4 सितारे चौकोन के 4 नुक्ते होते हैं। शिकारी झुरमट के दरमियान मौजूद 3 सितारों से एक सीधा खत खींचा जाए तो ये खत एक चमकदार सितारे से जाकर मिलता है। वो सितारा सीरिस शौरा कहलाता है। शिकारी नक्षत्र दिसंबर महीने में रात 8 बजे के करीब मशरिकी उफक पर नजर आता है। फरवरी में यह नुक्ता निस्फुन निहार पर होता है, जबकि जून में रात 8 बजे के करीब गुरूब होता है। नंबर 4 है अकरब बुर्ज में 10-12 सितारे नजर आते हैं। इनमें सबसे रोशन सितारा कुतुबुल अकरब एंटेरिस है। अकरब झुरमट जुनूबी निस्कुर्रे के आसमान पर खत इस्तवा के नीचे होता है। ये झुरमट अप्रैल के 3रे हफ्ते में सूरज गुरूब होने से कुछ घंटे कब्ल आसमान में नजर आता है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से 12 लड़कों को 12 बुर्ज की तख्तियां देकर दायरे में खड़ा करना है। दरमियान में एक लड़के को सूरज बनाकर खड़ा करना, इस कुर्रवी मदार में सूरज के इतराफ में गर्दिश करने के लिए कहना है, क्या नजर आता है या क्या तजुर्बा होता है इस बात पर गुफ्तगू करनी है। सूरज की जानिब देखने वाले नाजिर को तो सूरज नजर आएगा ही, लेकिन सूरज के पीछे सितारों का कोई एक झुरमट भी नजर आ सकता है, लेकिन सूरज की तेज रोशनी की वजह से ये नजर नहीं आ सकता, लेकिन इसके पीछे तारों के झुरमट मौजूद ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब जमीन अपना मुकाम बदलती है तब सूरज के पस मंजर का बुर्ज भी बदलता है। इसी को हम कहते हैं कि सूरज किस बुर्ज में दाखिल हुआ या इसे उबूर किया। मकर संक्रांत ऐसी ही एक तब्दीली है। ज़मीन जिस वक्त मुकाम ए पर होती है तो ज़मीन पर से मुशाहिदा करने वाले को महसूस होता है कि सूरज अकरब बुरुज पे है। ज़मीन जब ए से बी तक सफ़र करती है तब मुशाहिदा करने वालों को महसूस होगा कि सूरज अकरब से निकलकर मीज़ान बुरुज में दाखिल हुआ है। हकीकत में सूरज गर्दिश नहीं करता, बल्कि ज़मीन सूरज के इतराफ़ गर्दिश की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज गर्दिश कर रहा हो। सूरज की इस गर्दिश को ही सूरज की तसव्वुराती गर्दिश और सूरज की राह को सूरज का तसव्वुराती महवर कहते हैं। सूरज का मशरिक से तुलू होना और मगरिब में गुरूब होना ये सूरज की तसव्वुराती गर्दिश ही है, और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाली ज़मीन की जगह का तसव्वुर भी वाज़ह होगा। कौन क्या करता है आयुका, यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। पुणे का यह इदारा फल्की साइंस में बुनियादी तहकीकात का काम करता है। भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु,
इलाहाबाद, मुंबई और न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू प्लानिटोरियम कायम किया गया है। आसमान के मुशाहिदे के ताल्लुक से मुख्तलिफ सितारों और सितारों के झुरमट को तसव्वुराती तौर पर पेश किया जाता है। सियाहत के दौरान या मुमकिन हो तो खुद जाकर इन मुकामात को देखिए। इसे हमेशा जहन में रखें, साइंस की वजह से ये साबित हो चुका है कि निज़ामी शमसी के अज्जा जैसे सैारे, जैली सैारे दुमदार सितारों का ही नहीं बल्कि दूर दूर के सितारों के झुरमट का इंसान की ज़िंदगी से कुछ भी ताल्लुक नहीं। 20वीं सदी में इंसान ने चांद पर कदम रखा, 21वीं सदी में वो मरीख पर पहुँचेगा। इसलिए आज के साइंसी दौर में बेशुमार साइंसी जांच की बुनियाद पर गलत तसव्वुरात पर अकीदा रखना यानी खुद के वक्त, तवानाई और दौलत को बर्बाद करना है। इसलिए इन चीज़ों के तई साइंसी नुक्ते नज़र अपनाना बहुत अहमियत रखता है। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।